सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, आज हम लोग दोबारा से अपने मोबाइल फोन में प्ले करने जा रहे हैं कार सेलर सिमुलेटर। एंड गाइस, आपको याद होगा कि मैंने बहुत पहले एक वीडियो में एक टारगेट के लिए बोला था, जो कि था गाइस डॉज वाइपर कार का। तो फाइनली गाइस, आज मेरा वो टारगेट कम्प्लीट हो चुका है एंड मैंने टोटली कलेक्ट कर लिया है 10 डॉज वाइपर एसटीआर कार को। और मैंने आपसे बोला था कि ये जैसे ही 10 कम्प्लीट हो जाएंगी मैं इनको एक साथ में सेल करूंगा। तो चलते गाइस फटाफट से सेल पे लगाते हैं एंड ढेर सारे पैसे कमाते हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। बट अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई टारगेट कंप्लीट कर दिया है, अब तो लाइक कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइस, वेलकम टू कार सेलर सिमुलेटर। तो अभी हम लोगों का गेम हो चुका है स्टार्ट और अभी गाइस हो रखी है नाइट। तो कोई ना गाइस, मस्त हम लोग नाइट व्यू भी लेने वाले हैं। और गाइस ये रही है मेरी सारी डॉज वाइपर एसटीआर कार, जो कि मैंने 10 कलेक्शन कंप्लीट कर लिया है। और भाई 10 क्या, एक और गाइस मुझे मिल चुकी है, जो कि गाइस मैंने अभी वहां पर ही पार्क कर रखी है गैराज के पास में। बट कोई ना गाइस, एक तो हम लोगों के पास होनी ही चाहिए। और फिर अभी देखो भाई, फुल कलरफुल मैंने कर रखा है तो क्या तगड़ी लग रही है। तो सबसे पहले गाइस मैं सोच रहा हूँ ना, इन सभी कार्स का हेडलाइट ऑन कर देते हैं एंड नाइट व्यू देखते हैं गाइस कैसा आने वाला है। कि तो सबसे पहले भाई ये फर्स्ट कार का, ओके तो इसकी हेडलाइट ऑन हो चुकी है और भाई अच्छी खासी रोशनी हो गई है। एंड फिर ये सेकंड कार का, एंड गाइस अभी जब मैं सारी कार्स की हेडलाइट को ऑन कर दूंगा ना तो भाई काफी तगड़ा व्यू आने वाला है। एंड फिर अभी इसकी भी कर देते हैं। A few moments later. तो अभी गाइस लास्ट कार बची हुई है तो इसकी भी फटाफट से हेडलाइट ऑन कर देते हैं। और भाई अभी देखो फुल लुक आने लगा है। एक कार बची हुई है जो कि ये बैक साइड में है एंड इसको लेकर गाइस टोटली 10 कार हो चुकी है। तो अभी इसकी भी लाइट मैंने ऑन कर दिया है। और अभी गाइस नाइट व्यू देखो भाई क्या तगड़ा आ रहा है, सारी कार्स भाई क्या मस्त लग रही है। इन सभी कार्स की हेडलाइट का ना एकदम नेक्स्ट लेवल लुक आ रहा है। और गाइस जो कि मैंने यहाँ पर सारी कार्स को पार्क कर रखा था तो मैंने साइड में यहाँ पर टो करके गाइस मैंने यहाँ पर इन सभी कार्स को पार्क कर दिया। बट गाइस जैसे मैं ये सारी डॉज वाइपर एसटीआर कार को सेल कर दूंगा उसके बाद गाइस मैं दोबारा से ये सारी कार्स को यहीं पर पार्क कर दूंगा। और अभी भाई डॉज वाइपर का तो कलेक्शन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, बट एक दो कार्स का गाइस मैंने और भी बोला था तो वो भी गाइस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। बट अभी फटाफट से चलते हैं अपने अंशु कार शोरूम को ओपन कर देते हैं और भाई दोबारा से मॉलिंग करते हैं और इन सभी कार्स को सेल पे लगाते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अभी मॉर्निंग हो चुकी है और अभी भाई 8 एएम को हम लोगों का कार ऑक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ ना गाइस, इन सभी कार्स को सेल करने से पहले मस्त हम लोग चलते हैं कार ऑक्शन पे एंड वहाँ पर देख लेते हैं भाई शायद से कोई न्यू कार हम लोगों को देखने को मिल जाए। तो अभी गाइस मैं आ चुका हूँ कार ऑक्शन पे और भाई फटाफट से चलते हैं, एक टिकट को बाय कर लेते हैं एंड अपनी चेयर ले लेते हैं और देखते हैं भाई कोई न्यू कार हम लोगों को मिलती है या फिर नहीं। तो अभी गाइस कुछ ही सेकंड में हम लोगों का कार ऑप्शन ओपन हो जाएगा और 3 2 1 ओके गाइस, तो फाइनली फर्स्ट सेटर ओपन हो चुका है। और वेट भाई, फर्स्ट सेटर या सेकंड सेटर जब भी ओपन होता है तो वही सस्ती की सस्ती कार्स आती हैं। बट अभी फटाफट से गाइस इसकी प्राइस भगा देते हैं। तो अभी गाइस ये फर्स्ट कार सेल हो चुकी है एंड सेकंड सेटर के अंदर आई थिंक BMW लग रही है। कोई ना गाइस, इसकी भी प्राइस फटाफट से भगाते हैं एंड जल्द से जल्द इसको सेल करते हैं। ओके तो ये भी गाइस फाइनली सेल हो चुकी है। और वेट भाई, थर्ड शटर के अंदर हम लोगों को मिल चुकी है पोर्शे। तो गाइस दो पोर्शे हम लोगों के पास ऑलरेडी थी बट अभी एक और मिल चुकी है। तो कोई ना गाइस फटाफट से इसकी प्राइस भगाते हैं एंड इसको तो मुझे परचेस करना है। और भाई ब्लैक कलर देखो क्या मस्त लग रही है। अभी गाइस मैंने फाइनली इस पोर्शे को परचेस कर लिया है एंड फोर्थ शटर के अंदर भी वही सस्ती वाली कार आ चुकी है। तो अभी गाइस थोड़ा देर वेट कर लेते हैं कार ऑक्शन को क्लोज होने में। अभी गाइस कार ऑक्शन क्लोज हो चुका है और गाइस मुझे मिल चुकी है पोर्शे भाई। और अभी हम लोगों के पास इस कार को लेकर गाइस टोटली 3 हो चुकी हैं। दो तो गाइस मेरे पास ऑलरेडी थी बट अभी एक और मिल चुकी है। और भाई देखो फुल ब्लैक में क्या तगड़ा लुक आ रही है। एंड गाइस इसका व्हील भी मुझे लग रहा है कि चेंज हो रखा है बट अभी भाई जो भी है एकदम मस्त हो चुकी है। और गाइस आज मेरा डॉज वाइपर एसटीआर कार का 10 कलेक्शन भी कंप्लीट हुआ था और मैंने पोर्श का भी बोला था कि जैसे ये 5 हो जाएगी मैं एक साथ में सेल करूंगा। तो अभी गाइस इस ब्लैक वाली पोर्श को लेकर गाइस मेरे पास टोटली 3 हो चुके हैं और भाई जैसे 2 और हो जाएगी तो इन सभी को भी एक साथ सेल करेंगे। और गाइस ये रही दोनों पोर्श जो कि मेरे पास ऑलरेडी थी बट अभी एक और आ चुकी है तो इसको भी फटाफट से यहीं पर पार्क कर देते हैं। बाद में गाइस इसका हम लोग
कलर वलर चेंज कर देंगे, बट अभी फटाफट से चलते हैं गाइस। और चुकी हम लोगों की डॉज वाइपर एसटीआर कार्स हैं, इन सभी को सेल पे लगाते हैं। और वेट भाई, मैंने इन सभी की हेडलाइट ऑन कर रखी है और इसको ऑफ भी नहीं किया, तो सबसे पहले इन सभी की हेडलाइट्स को ऑफ कर देते हैं। A few moments later. तो अभी गाइस मैंने सारी ही कार्स की हेडलाइट को ऑफ कर दिया और भाई अभी फुल लुक आने लगा है। एंड देखो भाई, फुल्ली कलरफुल कार मैंने कर रखा है, क्या मस्त लग रही है। वैसे गाइस मेरा मन तो नहीं कर रहा है इन सभी कार्स को सेल करने का, बट भाई जो मैंने टास्क बोला था उसको तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा मुझे। तो फटाफट से गाइस सेल पर लगाते हैं। एंड फर्स्ट मैं सेल करूंगा ये पर्पल कलर वाली कार को, तो इसकी प्राइस लगाते हैं। तो फर्स्ट है गाइस जो कि 98,000 में मैंने परचेस किया था, एंड मैं इसको सेल करूंगा 1,58,000 में। तो ऐसे करते करते सारी कार्स को मैं सेल पर लगा देता हूं। तो अभी गाइस मैंने सारी कार्स का प्राइस लगा दिया और फटाफट से ऑन सेल कर देते हैं। एंड गाइस मैंने सारी कार्स को अराउंड 1,00,000 में परचेस किया था, एंड सभी का प्राइस मैंने $2,00,000 लगा दिया है। तो फटाफट से गाइस ऑन सेल कर देते हैं। और देखो भाई, कस्टमर आने स्टार्ट हो चुके हैं भाई, बहुत ही ज्यादा भर भर के कस्टमर आने वाले हैं, क्योंकि भाई टोटली 10 कार एक साथ में सेल होने वाली है। तो अभी गाइस मैंने सारी कार्स को सेल पर लगा दिया और भाई कस्टमर देखो क्या ग्रुप ग्रुप में आ रहे हैं। और अभी मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, क्योंकि भाई एक साथ जैसे ढेर सारे कस्टमर आ जाएंगे फिर गाइस हम लोग इस कार को सेल करने वाले हैं। और गाइस इस गेम में अभी 2 दिन पहले एक अपडेट आई थी, बट वो फुल अपडेट नहीं आई थी गाइस। ये जो कि BMW कार है, आपको याद होगा कार ऑक्शन से परचेस किया था, बट वो अपडेट आने पे हवा में लटक गई थी और फिर मैंने इसको टो भी किया था, तो यहाँ पर गाइस आके हवा में लटक गई थी। तो मैंने बोला था आपसे ये सारी चीजें अपडेट में ठीक हो जाएंगी। तो अभी गाइस एक दिन पहले फिर से अपडेट आ चुकी है, जिसमें कि गाइस इसको ठीक कर दिया गया है और थोड़ा सा लैग क्रैश प्रॉब्लम को भी ठीक करा गया है। काफी ज्यादा भगदड़ मच चुकी है एंड भाई काफी सारे कस्टमर आ चुके हैं, बट अभी मैं और वेट कराने वाला हूँ गाइस इन सभी कस्टमर को, क्योंकि भाई मैं इतनी आसानी से इन सभी कार्स को नहीं सेल करने वाला हूँ भाई। इतनी ज्यादा मेहनत लगी है इन सभी कार्स को कलेक्शन करने में, तो अभी इतनी आसानी से तो मैं सेल नहीं करने वाला हूँ। अभी गाइस काफी सारे कस्टमर आ चुके हैं और अभी गाइस कस्टमर आने बंद हो चुके हैं, तो अभी गाइस इनको वेट ना कराते हुए फटाफट से इनसे कार्स को सेल करते हैं। और भाई काफी अच्छी यहाँ पे सेल लग चुकी है। तो सबसे पहले गाइस मैं सेल करने वाला हूँ इस पर्पल डॉज वाइपर एसटीआर कार को, एंड इस बंदे से बात करके देखते हैं। ओके गाइस, मैंने सारी कार्स की प्राइस 2,00,000 के अराउंड लगाया है, एंड फर्स्ट कार की प्राइस मुझे $1,63,000 मिल रही है। तो गाइस मैं बार्गेनिंग वगैरह कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, जितनी प्राइस मिलेगी फटाफट से मैं सेल कर दूंगा। बट जो बंदा प्राइस दे रहा था वो दूसरे कार की थी। और वेट भाई, जैसे मुझे लग रहा और भी कस्टमर आ रहे हैं, तो कोई ना गाइस अभी फटाफट से सभी से सेल करते जाते हैं। और गाइस जितने कस्टमर है ना, सारे के सारे $1,60,000 के अराउंड देते चले जा रहे हैं। ओके, तो इस ग्रीन वाली को भी सेल कर देते हैं, और अभी इधर की गाइस एक ब्लू बची हुई है, इसको भी सेल करते हैं। तो अभी गाइस मैंने टोटल 6 कार को सेल कर दिया है, एंड 4 और बची हुई है, तो इन सभी को फटाफट से सेल कर देते हैं। और फिर रेड वाली बची हुई है, तो इसको भी कर देते हैं। और फिर एक ब्लैक बची हुई है, यहाँ पे भाई काफी सारे कस्टमर आए थे कार को परचेस करने के लिए, बट अभी भाई ये लास्ट बची हुई है जिसको मैंने सबसे पहले सेल करने का सोचा था, बट यही लास्ट बची हुई है। तो कोई ना गाइस इसको भी फटाफट से सेल कर देते हैं एंड अपना टारगेट कंप्लीट करते हैं। ओके गाइस, तो अभी मैंने सारी अपनी डॉज वाइपर एसटीआर कार को सेल कर दिया है, एंड आज गाइस मेरा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। और भाई मुझे काफी अच्छा लग रहा है भाई, इतना तगड़ा टारगेट मैंने रखा था जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया है। और भाई इधर देखो, अभी पूरा खाली सा लगने लगा है। तो अभी गाइस इन सभी कार्स को सेल करने के बाद गाइस मुझे टोटली 15,00,000 के अराउंड का प्रॉफिट हो चुका है भाई, काफी तगड़ा प्रॉफिट हो चुका है। और अभी भाई इन सभी कार्स को वापस से लेकर आना है और अपने शोरूम के आगे पार्क करना है, तो कर देते हैं गाइस। A few moments later. तो अभी गाइस जो कि हम लोगों के पास एक डॉज वाइपर एसटीआर कार बची हुई थी, तो मैंने उसको भी यहाँ पर लाकर पार्क कर दिया। वहां पर गाइस सिर्फ अकेले ही पार्क थी, तो मैंने सोचा भाई इसको भी शोरूम पर लाकर पार्क कर देते हैं। एंड यहाँ पर मैंने अपनी तीनों पोर्श को पार्क कर दिया, और अभी भाई एक ये लास्ट बची हुई है, तो इसको भी फटाफट से अंदर के साइड में ही पार्क कर देते हैं, एंड जब हम लोगों को गाइस इसकी जरूरत होगी मस्त लेके चल देंगे। ओके, तो अभी गाइस सारी की सारी कार्स को मैंने अपने शोरूम पर पार्क कर दिया, और भाई अभी दोबारा से हम लोगों का शोरूम वैसा हो चुका है। तो ऑलराइट गाइस, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको ये वाली वीडियो जरूर से अच्छी लगी होगी, तो फटाफट से लाइक का बटन दबाना बिल्कुल से भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। सो जल्दी मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।